हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल से एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो कंपटीशन मुकेश भाई ने करवाया था अपने चैनल टेक्निकल सोकिल पे। और उन्होंने एक गिव अवे देने का वादा किया था और उन्होंने आज अपना वादा पूरा भी किया। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरे कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक करके मुझे जिताया, मुझे विनर बनाया और इस गिफ्ट के काबिल बनाया। तो टेक्निकल सोकिल का मुकेश भाई ने वो गिफ्ट कुरियर के मार्फत फ्री में मुझे डिलीवर कर भी दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा वो गिफ्ट में क्या है और कैसा है। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ मुकेश भाई को, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, मेरे को गिफ्ट भेजा और फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने कुरियर भी कर दिया। तो ये रही वो गिफ्ट, जन प्लस का स्मार्ट लॉक। मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आप के सामने दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है, कैसा है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि मुकेश भाई कौन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो टेक्निकल सोकिल नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन्होंने अपने चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखा है। हजारों वीडियो लगभग है वहाँ पे, टेक्निकल रिलेटेड नए नए एक्सपेरिमेंट है। तो आप बहुत अगर टेक्निकल के रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जन प्लस का लक अगर आपको पसंद आए तो जरूर परचेज कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। बहुत सेफ्टी के साथ इसको पैक किया गया है, बहुत सारा टेप लगाया गया है इसमें। तो हम अच्छे तरीके से खोल लेते हैं इसको। इसके अंदर कुछ कागज़ भरा गया है ताकि ये सेफ़ रहे, कुछ टूटे फूटे ना। वैसे भी इसके अंदर कुछ टूटने फूटने का सामान तो नहीं होगा क्योंकि सभी लगभग स्टील का बना हुआ है। फिर भी देख लेते हैं। वाव, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमने टेक्निकल सोकिल का चैनल मुकेश भाई के चैनल टेक्निकल सोकिल पे देखा था और सेम टू सेम वैसे ही वही लॉक है यहाँ पे। मेन लॉक हो गया। अरे फ्रेम में लगाने का हो, बाकी इसमें कुछ पार्ट पुर्जे सब दिया है जो असेंबल करना पड़ेगा बाद में वहाँ पे। उसका चार्जर जैसा है लेकिन वो चार्जर नहीं है, पावर सप्लाई देने के लिए है क्योंकि वाईफाई में कनेक्ट होने के लिए उसके अंदर पावर सप्लाई का ज़रूरत पड़ेगा। और इतना बड़ा लॉक देखिए, एक तीन चाबी भी दिया गया है यहाँ पे, लेकिन वो लॉक उतना बड़ा नहीं लगेगा, उसको काट के फिक्स करना पड़ेगा जितना उस डोर में एडजस्ट हो पाए। मैनुअली हम इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और नेट से कनेक्ट करके अपने मोबाइल से ऐप्स डाउनलोड करके उस ऐप्स के द्वारा भी कंट्रोल कर किया जा सकता है। ये है खुद छोटा सा प्यारा सा मैनुअल, जिसको देख के हम कैसे इंस्टॉल करना है, उसको असेंबल कैसे करना है, पावर सप्लाई कैसे देना है, सब यहाँ पे लिखा गया है। और जन पल्स का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए उसके अंदर QR कोड भी दिया गया है। तो सभी को हम एक साथ रख के देखते हैं क्या है। अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है इसमें कैसे असेंबल करना है, तो हम मैनुअल देख के असेंबल करेंगे। सभी चीज़ को साथ में रख के देखते हैं कैसा दिखता है। ये हो गया उसका डब्बा, देखिए सभी चीज़ इतना है, इतने में हम सब फिक्स कर सकते हैं। पावर सप्लाई का एडाप्टर हो गया और एडाप्टर को इस वायर में कनेक्ट कर सकते हैं पावर सप्लाई देने के लिए। हाँ, इसको मैंने चालू कर दिया पावर सप्लाई में लगा के, देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है। इसको मैन्युअली हम पीछे से खोल सकते हैं। एक्चुअली इस डोर के उस पार रहेगा ये वाला चाबी लगाने का, और डोर का इस पार अंदर की ओर रहेगा हमारा लॉक। अभी सेटअप नहीं हुआ तो क्योंकि इसको वाईफाई में सेटअप करना पड़ता, कनेक्ट करना पड़ता, इसलिए अपने आप वो लॉक करके अनलॉक हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा दिखता है।
इसको लटकाते ही है ना, पावर सप्लाई में मैंने दे दिया है, लटकाते ही है ना लॉक वाला, ये कैसा टाइप है, चिपकाते इसको सेटअप करना बाकी है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अपने रूम पे लगा के नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं अपने घर जाके इसको सेटअप करूँगा, यहाँ पे करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बहुत छोटा सा प्यारा सा एकदम सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा लॉक है, जिसको आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। तो आप लोग को मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के ही लाइक से मैंने जीता है इतना प्यारा सा लॉक, और वीडियो देख के साथ देने के लिए भी धन्यवाद।